नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वाड़ा तालुका में चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई हैं। अभी ताजा मामला कोटले ग्राम पंचायत हद में आने वाली एक बंद कंपनी प्रतिभा पाइप का है, जहां कंपनी में चोरी करते हुए चोर रंगे हाथ पकड़े गए, जिसमें जेसीबी, ट्रक, टेम्पो, गैस कटर, यह सारी चीजें भी बरामद हुई। आप इस वीडियो में सारी चीजें देख सकते हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां से तकरीबन 100 ट्रक से अधिक कंपनी का माल चोरी हुआ है। यहां पर प्रतिदिन रात में 7 से 8 गाड़ी माल चोरी होता था, जिसमें से कुछ गाड़ियों के नंबर भी बरामद हुए। वहीं इस मामले में स्थानिकों ने पुलिस से आह्वान किया है कि अगर चोरों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम चक्का जाम करेंगे। वहीं अब देखना होगा कि इस करोड़ों की चोरी वाले मामले में जिले के एसपी बाला साहेब पाटिल क्या कदम उठाते हैं। वहीं जानकारी मिली है कि ऐसी वारदातों में बोईसर के दिग्गज भंगार व्यवसायी भी सम्मिलित हैं, और पिछले 9 से 10 महीनों से इसी प्रकार भंगार माफिया क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से वारदात को अंजाम दिलवा रहे हैं। आखिर इन माफियाओं के ऊपर किसका हाथ है, यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, इस प्रकार की न्यूज अखबार में आती रहती है, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस प्रकार के अपराधों पर खास ध्यान नहीं दे रहा है। क्या पुलिस प्रशासन इन गाड़ियों के मालिकों पर भी कार्रवाई करेगी या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? यह सवाल अपने आप में एक चिंता का विषय है। पेश है वाड़ा की यह एक रिपोर्ट। आतापर्यंत आपल्या वाड़ा तालुक्यामध्ये अशा बंद कंपन्यांमध्ये बऱ्याच वेळा अशा चोऱ्या झाल्या आहेत, पण पोलीस प्रशासन त्याला पाठीशी घालते की काय असा प्रश्नचिन्ह आहे आणि त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, प्रत्यक्ष आम्ही माहिती घेतली होती की आधी काही चोरांना आला बसलेला आहे, पण जे निष्पाप असतात, जे 5-50 किलो चोरी करायला जातात, त्यांना पकडलेलं आहे आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत। पण जे मोठे आसामी आहेत, ज्यांनी मोठ्या मोठ्या कारखाने कापलेले आहेत आणि ते माल घेऊन गेलेले आहेत, अशा लोकांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, त्यांचं रॅकेट पूर्ण उद्ध्वस्त झालं पाहिजे, हीच अपेक्षा पोलीस प्रशासनाकडून आहे। मी विलास बळीराम भेरे बोलतोय। आम्हाला आज पहाटेच्या सुमारात साधारण 5-6 दरम्यान समजलं, गावामध्ये प्रतिभा कंपनी आहे, ते चोरी हमेशा 2-3 महिन्यापासून होत असते। ते काही दक्ष नागरिकांनी लक्ष घालून त्या गाड्या अडवल्या आणि त्याच्यामध्ये मुद्देमाल आहे तो पूर्ण खचाखच भरलेल्या गाड्या अडवून त्या थांबवल्या, स्टॉप केलेल्या आहेत। तर आमचं असं म्हणणं आहे का, एवढा मोठा वाडा पोलीस स्टेशन दूर क्षेत्र असताना सुद्धा या झोन कंपनीमध्ये मोठमोठ्या चोऱ्या होतात। नाऱ्या गावापासून मांगडण्यापासून पार महाराष्ट्र पॉवरपासून एवढ्या मोठमोठ्या कंपन्या कापल्या जातात, त्याच्यानंतर ही प्रतिभा कंपनी